नमस्कार दोस्तों, आप हैं अनिल कपूर के साथ और ये हमारा चौथा एपिसोड है पॉडकास्ट 100 ब्रिक्स टू लाइफ का। पहले तीन एपिसोड्स को बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। पहले तीन एपिसोड्स में मैंने बात करी, सबसे पहले एपिसोड में मैंने बात करी कि मैंने क्या ऐसी गलती करी जिससे मैं हॉस्पिटल पहुँचा। दूसरे में मैंने अपने पहले 2 घंटे के एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि मैं कैसा वहाँ जब पेशेंट अकेला होता है डॉक्टर्स के साथ तो वो क्या फील करता है। तीसरे एपिसोड में मैंने बात करी कि जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगती हैं मन में और आपको लगता है कि शायद आप वापस नहीं जा पाओगे या आप बच के नहीं जाओगे हॉस्पिटल से ज़िंदा, तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स और बच्चों के लिए या वाइफ के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे या छोड़ना चाहता है बंदा इंसान, तो उसकी बात करी। आज हम बात करेंगे कि ये सब चीज़ें तो चल ही रही थी लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो मैंने समय रहते करी हुई थी, ठीक करी हुई थी, तो उसकी वजह से मेरे मन में एक सुकून भी था कि अगर मैं यहाँ से वापस नहीं भी जाता तो जो पर्सनल लॉस तो है मेरी फैमिली को वो तो होगा ही, लेकिन मेरी फैमिली सेफ़ एंड सिक्योर रहेगी फाइनेंशियली, इस चीज़ को मैंने इंश्योर किया हुआ था। तो दोस्तों, ये जो सुकून था ये बहुत इम्पॉर्टेंट था उस वक्त मेरी रिकवरी के लिए भी और मेरी हेल्थ के लिए भी और मेरी मेंटल हेल्थ के लिए भी। मुझे हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस की चिंता नहीं थी क्योंकि मैं कवर था, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कवर चल रहा था, तो जो भी हॉस्पिटल में एक्सपेंसेस हुए, जो भी खर्चा हुआ, वो सब टेक केयर कर लिया हेल्थ इंश्योरेंस ने। तो मेरी फैमिली को या मुझे ये चिंता नहीं हो रही थी कि अब कि हॉस्पिटल वाले पैसे मांगेंगे या कुछ करेंगे, तो दवाइयाँ लेके आने का कोई सिस्टम होगा तो पैसे अरेंज करने हैं, तो इस तरफ से सुकून था, चैन था कि कोई टेंशन नहीं है किसी किस्म की। तो आप भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवा के रखिए। बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, इंडिया में 22-23 कंपनीज हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस का या जनरल इंश्योरेंस का काम करती हैं, तो आपको जो प्लान अच्छा लगे, आपको किसी भी कंपनी का अच्छा लगे, वो आप ज़रूर लेके रखिए। तो वो ऐसे टाइम पे काम आता है जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। मैंने कई बार लोगों को देखा है वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स भरते हैं और उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो भगवान की कृपा है उन लोगों के ऊपर कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिसको पड़ती है और जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है उन लोगों का हाल आपने देखा होगा कि कैसा होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। और दूसरा सुकून मुझे था कि अगर मैं चला भी जाऊँगा तो मैंने अपनी इनकम रिप्लेसमेंट जो है वो करके रखी हुई थी। मैंने अपनी इनकम के हिसाब से, एज के हिसाब से सफिशेंट लाइफ इंश्योरेंस लेके रखी हुई है। तो अमाउंट मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आपकी आमदन का कम से कम 10 गुना, 15 गुना या 20 गुना, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, तो वो आप ज़रूर लीजिए। इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस होने से एटलीस्ट ये हो जाएगा कि जिस बंदे ने जाना है वो तो चला ही जाएगा अपने टाइम से, लेकिन जो पीछे ज़िंदा रहेंगे उनके लिए हम या जाने वाला बंदा कुछ लेगेसी छोड़ के जाए, कुछ पैसा छोड़ के जाए, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस जो बंदा चला गया उसको तो नहीं पता कि अब आगे क्या, कौन सी दुनिया में जाएगा, लेकिन जो उसकी फैमिली है, जो उसका परिवार है, वो तो रहेगा। और मैंने अभी तक किसी भी विडो को या किसी भी फैमिली को ये कहते हुए नहीं सुना कि हमारी फैमिली ने या हमारे बंदे ने जो चला गया उसने ज़्यादा करा रखा था इंश्योरेंस या वो सफिशिएंट है। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं, ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी फैमिली को और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, तो उसको ज़रूर कीजिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो अभी वापस आते हैं हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस के ऊपर। तो ये भी जो तकरीबन 5 मिनट मैंने पहले 5 मिनट में आपको बताया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में।
अभी कोरोना वायरस आया तो लाखों रुपए लोगों के हॉस्पिटल्स में लगे हैं, तो जो लोग इंश्योर्ड थे, जिनके पास बीमा था, वो लोग तो निकल गए इससे। जिनके पास नहीं था, उनकी लाइफ की सेविंग्स ख़त्म हो गई इस बीमारी के चलते। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपने आप को सफिशिएंट इंश्योरेंस के साथ कवर रखिए। और अभी जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर्स ने बोला था कि आपकी बॉडी में सिर्फ 6 ग्राम ब्लड रह गया है और इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ेगी, तो अब ब्लड कहीं से मार्केट से नहीं मिलता, तो ब्लड हमें ब्लड डोनर से ही लेना पड़ता है। हॉस्पिटल्स के अंदर, सभी बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं जो ब्लड डोनेशन रिसीव करती हैं, ब्लड लेके रखती हैं। तो एक इंसान ही दूसरे इंसान को खून दे सकता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो पुण्य का काम है, अगर वो आप देखेंगे, तो खूनदान से बड़ा दान नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो पैसों से नहीं बनाई जा सकती, जो किसी मशीनरी से नहीं बनाई जा सकती, वो किसी भी टेक्निक से बनाई नहीं जा सकती। ये कुदरत का ही करिश्मा है कि आप इंसान की बॉडी में एक ऐसा लिक्विड है, ऐसा पदार्थ है जो उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे भी ज़रूरत पड़ी ब्लड की, तो मैं कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ, तो मैंने वहाँ पे बात की, तो वहाँ से और मेरे ब्रदर इन लॉ ने हेल्प करी लोगों को, वो लेके आया हॉस्पिटल में और ब्लड डोनेट किया, और वो ब्लड मेरे को इन्फ्यूज़ किया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करी गई, तो उससे मेरी ज़िंदगी बचाई जा सकी। तो आप भी अपनी लाइफ में एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आपका मन करे, ब्लड ज़रूर डोनेट कीजिए। ब्लड डोनेशन से कोई भी नुकसान नहीं होता और ना ही कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बल्कि अगर आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हो, वैसे डॉक्टर्स जो रिकमेंड करते हैं या जो संस्थाएं रिकमेंड करती हैं, वो ये रिकमेंड करती हैं कि आप हर 3 महीने बाद या 8 हफ्ते के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साल में 2 बार भी ब्लड डोनेट करते हैं, तो इसकी कभी भी हमारे देश में, हमारे शहर में ब्लड की कमी नहीं होगी और किसी की जान ब्लड मिलने या ना मिलने की वजह से नहीं जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को हम लोग प्रमोट करें और ज़िंदगियाँ बचाने में मदद करें। जब आप 1 यूनिट ब्लड का डोनेट करते हैं दोस्तों, तो 3 जिंदगियां उससे बच सकती हैं। वो उसमें प्राइमरी 3 चीज़ें होती हैं जब आप 1 यूनिट ब्लड का देते हैं। पहला होता है रेड ब्लड सेल, दूसरे होते हैं प्लेटलेट्स, और तीसरा होता है प्लाज्मा। तो ये 3 चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं और इससे 3 जिंदगियां बच सकती हैं आपके दिए हुए 1 यूनिट से। और आपकी बॉडी, जब आप ब्लड डोनेट करके आते हैं, तो आपकी बॉडी इसको नेचुरली कवर कर लेती है, ब्लड बन जाता है आपकी बॉडी में। आपको नॉर्मल डाइट लेनी है, कोई स्पेशल डाइट लेने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ 1% लोग होते हैं जिनको कोई भी तकलीफ़ होगी ब्लड डोनेशन के बाद, वो भी अगर प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट के साथ या प्रॉपर जगह से आप डोनेट कर रहे हैं, तो शायद वो भी 1% भी नहीं प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के पॉडकास्ट में मैं अपनी बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें जिन्होंने मुझे उस मुश्किल वक्त में साथ दिया, तो वो मैसेज आप तक पहुँचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि पीस ऑफ माइंड के लिए सुकून था या चैन से मैं वहाँ लेटा हुआ था कि मेरा मेडिकल एक्सपेंस हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू जा रहा था, और अगर मैं घर वापस नहीं पहुँचता तो मेरी चिट्ठी या मैसेज तो पता नहीं पहुँचता या नहीं पहुँचता, लेकिन जीवन बीमा का पैसा मेरे घर पे ज़रूर पहुंचता। इस चीज़ की मुझे गारंटी थी और सुकून था। और तीसरी चीज़, जब मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़ी, तो जिस तरह मैं लोगों को ब्लड डोनेट करने जाता हूँ रेगुलरली, तो उसी तरह और लोग आए, अननोन लोग आए जो मेरे रिश्तेदार नहीं थे, मेरे दोस्त नहीं थे, उन्होंने भी ब्लड दिया। मेरी फैमिली और फ्रेंड्स में से भी कुछ लोगों ने ब्लड डोनेट किया। अगर मुझे जो नाम याद हैं, वो
मेरे सांडू साहब ने, चौधरी साहब ने ब्लड डोनेट किया, मेरे ऑफिस में से कपूर साहब ने, गिलोत्रा साहब ने, इन लोगों ने ब्लड डोनेट किया, तो मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने मेरे को ब्लड देके मेरी जान बचाने में मेरी और मेरी फैमिली की मदद करी। तो अब दोस्तों ये ब्लड तो आ गया, अब इसमें जो मेरे साथ हुआ वो कुछ अजीबोगरीब इंसिडेंट भी हुआ। मेरा भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और जो पहली 3 बॉटल्स, टोटल मुझे 6 बॉटल्स लगी मेरे टोटल हॉस्पिटलाइजेशन में, तो जो पहली 3 बॉटल्स मुझे लगी वो बी पॉजिटिव की जगह बी नेगेटिव लगाई गई। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आपको ब्लड चढ़ता है, अगर आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है, तो जैसे ही 1 यूनिट ब्लड का चढ़ेगा तो आपको आपकी बॉडी में, जब अगले दिन टेस्ट किया जाएगा या 4-6 घंटे के बाद टेस्ट किया जाएगा, तो आपका ब्लड इंक्रीज़ हो जाएगा या थोड़ा बहुत बढ़ेगा। मान लीजिए 1 यूनिट अगर आपको लगा है तो आपका ब्लड 0.8 से इंक्रीज़ हो जाना चाहिए, तो लेकिन मेरे वाले केस में वो नहीं हुआ। और ब्लड ट्रांसफ्यूशन जब हो रही थी तो मुझे शिवरिंग और फीवर, ये चीज़ें दोनों रेगुलर हो रही थी। और जब रात को तकरीबन 11, 11:30, 12 बजे मुझे ब्लड चढ़ाने के लिए बॉटल आई, वहाँ पे मैंने देखा कि ये यूनिट अब मुझे लगेगा, तो मैंने इंक्वायर किया कि बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा रहे हैं आप या मुझे ये कौन सा ब्लड चढ़ने वाला है, तो डॉक्टर सेड कि बी नेगेटिव चढ़ेगा। तो मैंने एक बार मना किया कि नहीं, मुझे बी नेगेटिव ब्लड नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव ही ब्लड चाहिए। तो मैंने जब मना किया तो डॉक्टर मेरे पास आए और जो उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाया और बोला कि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर इमीडिएटली ये ब्लड आपको नहीं चढ़ता तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरफ चीज़ें जा सकती हैं। तो मैंने फिर भी रिफ्यूज़ किया, तो फिर जो वो लेडी डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ गूगल पे सर्च कर लीजिए कि ब्लड बी पॉजिटिव जिसका हो उसको नेगेटिव वाला ब्लड दिया जा सकता है और वो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, और हमने क्रॉस मैच करके ये ब्लड लाए हैं। तो दोस्तों डॉक्टर ने जब मुझे दिखाया गूगल के ऊपर अपने फ़ोन पे, तो मैं एग्री कर गया, लेकिन जो मेरी इंट्यूशन थी, जो मेरा अंदर से आवाज़ थी कि ये बी नेगेटिव ब्लड मेरे लिए काम का नहीं है या मुझे नहीं चढ़ेगा या मेरे को जो इससे सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल ठीक निकली। पहली बॉटल चढ़ी, अगले दिन चेक किया गया, ब्लड नहीं इंक्रीज़ हुआ। दूसरी बॉटल चढ़ी, चेक किया गया, ब्लड नहीं इंक्रीज़ हुआ। थर्ड बॉटल फिर से नेगेटिव, बी नेगेटिव ब्लड की लगाई गई। तो तीसरे दिन भी मेरी जो कंडीशन है या ब्लड लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो ये एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा हुआ मेरे साथ कि ब्लड चढ़ रहा है और ब्लड इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, जो मेन डॉक्टर देख रहे थे उनको बोला कि डॉक्टर साहब ये मुझे आप बी नेगेटिव ब्लड दे रहे हैं और उससे मेरे ब्लड लेवल्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे और अब मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रहा हूँ, मेरे चक्कर रुक गए हैं, अब आप मुझे अगर कुछ खाने के लिए अलाउ करें तो मैं नॉर्मल डाइट लेके शायद मेरी रिकवरी थोड़ी जल्दी स्टार्ट होनी शुरू हो जाए। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम, जब भी अल्सर ब्लीड करेगा या ब्लीडिंग होती है या डार्क स्टूल आती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी बॉडी में हमें चाहिए होती है वो है कि ब्लड फर्दर लॉस ना हो और ब्लड की रिकवरी स्टार्ट हो जाए। तो जब ये रिकवरी नहीं हो रही थी तो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा कंसर्न थी कि शायद कहीं पर ऐसी ब्लीडिंग हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है जिससे वो लोग देख नहीं पा रहे या डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे डॉक्टर ने बोला कि अभी हम जब तक आपके वाइटल्स नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक खाना अलाउ नहीं कर सकते हैं कुछ भी। तो मुझे उन्होंने हल्की सी लिक्विड डाइट पे ही रखा हुआ था। जिस दिन से मैं हॉस्पिटल एडमिट हुआ उस दिन से लेके तीसरे चौथे दिन तक मुझे तकरीबन शायद 2 गिलास दूध के मिले होंगे, 1 आधा नारियल पानी का गिलास मिला होगा, तो 4 दिन
उसमें मुझे खाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया, एक आधी बाउल खिचड़ी की शायद आई होगी, मुझे याद नहीं है, क्योंकि जितने भी टेस्ट हो रहे थे या ड्रिप्स लग रही थी या जो कंडीशन थी, उनको ये डर था कि मेरे स्टमक में शायद फिर से ब्लीडिंग हो रही है या हो स्टार्ट ना हो जाए, तो इसलिए मुझे खाली पेट रखा हुआ था। उनकी टेक्निकल लैंग्वेज में उसको ये लोग NPU बोलते हैं कि पेशेंट को NPU रखिए, हमें ये वाला टेस्ट करना है, हमें ये डायग्नोस करना है। तो ये सब मेरे साथ वहाँ हॉस्पिटल्स में हो रहा था। तो अब इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट बात थी मेरी हेल्थ की, कि अब मुझे, मैं बिल्कुल कॉन्शियस था डॉक्टर्स से और जो रेगुलर मेरे टेस्ट हो रहे थे उनसे, मैं पूछ रहा था, बातचीत कर रहा था। डॉक्टर जब विज़िट पे आते थे तो मैं उनसे मिलता था, उठ के बैठा तो नहीं जा रहा था अभी उतना, लेकिन फिर भी विद सपोर्ट और वो बेड ऊपर करवा के मैं मिलता था डॉक्टर से। तो चौथे दिन जब फिर से रिपोर्ट आई और मेरा ब्लड का लेवल इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, इसके बावजूद कि मुझे 3 बॉटल ब्लड की लग चुकी हैं, तो डॉक्टर्स ने मेरे को उठाया और मेरे से बात की कि हमें लग रहा है कि फर्दर और इन्वेस्टिगेशंस और डायग्नोस करना पड़ेगा, तो आपके पहले हमने क्लोनोस्कोपी करी थी, अब आपके एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी और उसके लिए फिर से आपको तकरीबन 8 घंटे भूखा रहना पड़ेगा और एक कोई लिक्विड का कोर्स होता है जो मुझे वो लिक्विड पीना है, उससे मेरा स्टमक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं जैसे जैसे वो लिक्विड पीता जाऊंगा तो इमीडिएट बेसिस पे मेरे जो स्टूल हैं वो पास होते रहेंगे और अगले दिन सुबह तकरीबन 6-7 बजे या 8 बजे वो एंडोस्कोपी के लिए मुझे लेके जाएंगे, तो ऐसा उन्होंने प्लान किया। तो पूरी रात मुझे उन्होंने जगा के रखा, डॉक्टर्स ने मुझे सोने नहीं दिया, नर्सेज ने जो थी, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो लिक्विड सा उन्होंने बना के रखा हुआ था एक केटल में, वो ग्लासेस मुझे दे रहे थे, हर 10-15 मिनट के बाद ग्लास पीना होता था और फिर वहाँ पे वेट करते थे कि अब जिसके लिए वो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ वो काम हो तो मेरा स्टमक क्लियर हो जाए। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अगले दिन सुबह तक तकरीबन 5-6 बजे तक, 7 बजे तक मेरे स्टमक में से कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, बवल मूवमेंट नहीं हुई, तो वो भी एक कंसर्न बन गया। और फिर फाइनली जब तकरीबन 11 बजे 10 साढ़े 10 11 बजे के आसपास थोड़ा बहुत जब मेरा पेट क्लियर हुआ तो फिर मुझे एंडोस्कोपी के लिए तैयार किया गया और मुझे बोला गया कि अब आपको एंडोस्कोपी के लिए चलना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी तकरीबन 18-18.5 मिनट हो गए हैं, तो कल के एपिसोड में मैं अपने एंडोस्कोपी का जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर करूँगा, प्लस फर्दर जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए, जो चीज़ें मैंने सीखी। तो इस दिन की मेरी जो लर्निंग रही या जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग याद रखें कि आपकी फैमिली की और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी खुद की जो फैमिली मेंबर अर्निंग है, जो ब्रेड विनर है, अर्नर है, उसका सफिशिएंट इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और तीसरा, आपको जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करें हॉस्पिटल में, जो भी चीज़ें आपको बताई जाएं वो आपको फॉलो करनी है, और ब्लड डोनेशन, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को आप प्रमोट कीजिए, आप खुद भी खूनदान करिए और अपने आसपास वाले लोगों को भी बोलिए कि खूनदान करने से कमज़ोरी नहीं आती, वो करना चाहिए और सब लोगों को खूनदान अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक या दो बार तो ज़रूर करना चाहिए। और अपने रिश्तेदार के लिए तो हर कोई करता है, किसी अनजान के लिए इसको करके देखिए, उसमें अपना ही अलग मज़ा है। तो इसके साथ ही मैं आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और यहाँ तक अगर आप पहुँच रहे हैं और मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं इस वक्त, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पॉडकास्ट और ये मेरी कहानी 100 ब्रिक्स टू लाइफ अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।
थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।